साथियों, टॉप एमसीक्यू हमने लाया है जो उत्तर प्रदेश में अब तक कई कई बार पूछे गए हैं। साथियों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है यूपी स्पेशल का, वो टॉपिक है जो हिस्ट्री से संबंधित है। साथियों, इसका मतलब इतिहास का वह कोना जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हुए हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं उससे संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं यूपी स्पेशल का टॉपिक जो हिस्ट्री से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। साथियों, ऐसे प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं यूपी से रिलेटेड, उनमें कई कई बार रिपीट होता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप लोग देखिए, कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न साथियों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। साथियों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजों को आप यहाँ सीखेंगे, बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट। यही फैक्ट कंसेप्ट सीखकर, यही प्रैक्टिस सेट लगाकर एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ेगा, तो आप जो है जो थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न होगा उसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये होती है एक कॉन्फिडेंस की ताकत। तो साथियों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सिर्फ पूछा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन सवाल बहुत ही सरल है, क्योंकि ऐसे कई सवाल होते हैं सरल होते हैं लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग होता है। देखिए क्या कह रहा है, आपको उस स्थल का नाम बताना है, एक पुरातात्विक स्थल का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश में है और जहां से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, ये स्थल है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जो मेजा तहसील है, उसी मेजा तहसील में ये आता है, चोपानी मांडो। चोपानी मांडो साथियों जो बेलन नदी घाटी क्षेत्र का भी हिस्सा है, तो यहीं से जो है चोपानी मांडो जो है, चोपानी मांडो से ही जो है पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथियों, बहुत बढ़िया, इसको याद रखिएगा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के मेजा तहसील में है। साथियों, मेजा तहसील याद रखिएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, यही बेलन घाटी का अभी मैं आपको बताया था, ये जो बेलन घाटी है साथियों इसका विस्तार यही आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो बेलन नदी घाटी है, आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था। तो साथियों, यह सोनभद्र में भी था, मिर्जापुर में था, प्रयागराज में था, तो ये चंदौली में नहीं था। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये चंदौली में नहीं था, जबकि सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज में यह बेलन नदी घाटी का विस्तार था। बहुत बढ़िया साथियों, ऐसे ही दमदार प्रश्न हम लेकर आए हैं, ऐसे नौसुखियों वाला प्रश्न हम नहीं लेकर आते हैं जो बच्चों वाला सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में मजा आए, मसालेदार हो, चटकदार हो, सिर्फ उससे पढ़ाने वाले का फायदा होता है, पढ़ने वाले का नहीं होता है। थोड़ा प्रश्न में दमदार होना चाहिए और प्रश्न में थोड़ा सा मंथन होना चाहिए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 4 गुना तक बढ़े। सिर्फ उत्तर बता के निकल जाना, ये नाइंसाफी होती है साथियों बच्चों के साथ। तो चले हम लोग तीसरा वाला देखते हैं, देखें तीसरा वाले में क्या कह रहा है साथियों। कह रहा है कि किस पाषाणकालीन स्थल से सवाधान एवं गर्क चूल्हों के साक्ष्य यानी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं उसका नाम बताना है। पहले दिया है कोलडीहवा, शकिया, हुलास, ये सराय नाहर राय। तो विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर होगा, ये कहाँ है सराय नाहर राय, ये है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है ये। तो प्रतापगढ़ में ये जो है सराय नाहर राय है, यहीं से सवाधान एवं गर्क चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। सवाधान का मतलब होता है साथियों अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसे सवाधान कहते हैं। तो ये सराय नाहर राय से मिले। प्रतापगढ़ में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, मददहा और दमदमा, ये सब भी वहीं से हैं। तो साथियों चलते हैं हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं, ये चौथा वाला हमसे क्या कह रहा है देखें। इसमें कह रहा है, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, अभी मैं इसको आपको चर्चा किया था, ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं। दमदमा भी कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है दमदमा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से एक ही कोई कब्र थी एक ही, और उसी कब्र में तीन मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं दमदमा से।
तो बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग देखते हैं। और ये सराय नाहर भी प्रतापगढ़ में है, जो भी ऊपर वाले मैंने आपको बताया, और चौपानी मांडो तो ये यहाँ जो अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में चर्चा किया था। आगे चलें, देखें पांचवा में हमसे क्या पूछ रहा है साथियों। कह रहा है कि किन नवपाषाण कालीन स्थल या स्थलों से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों, धान की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले साथियों? ये कोलडिहवा से मिला है, लहुरा देव से मिला है। यानी हमारा यहाँ जो उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आप सोच रहे होंगे साथियों, ये कोलडिहवा कहाँ है? तो कोलडिहवा साथियों ये प्रयागराज में हो, यह प्रयागराज में है यानी इलाहाबाद में। और ये लहुरा देव जो है ये संत कबीर नगर, जहां पर कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में, तो उसी का नया नाम हो गया संत कबीर नगर में, जिले में। तो इन दोनों को याद रखिएगा, यहीं से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। आगे देखें हम लोग छठवें में साथियों। छठवें में हमसे पूछ रहा है आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल स्थल से संबंधित संस्कृति को क्या कहा जाता था? तो साथियों आप लोग पहले याद रख लीजिए, ये जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है ये क्या होती है? तो साथियों, जो पाषाण काल संस्कृति के बाद और हड़प्पा संस्कृति के पहले, इन दोनों के बीच की जो संस्कृति है उसे हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि इस समय जो तामों से बने हुए उपकरण का लोग प्रयोग करते थे, तो इसे इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। यानी गंगा जमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। यहाँ देखिए, इसको क्यों कहा जाता था गैरिक मृदभांड संस्कृति? क्योंकि इस संस्कृति में जो है गेरुआ रंग जो होता है ना, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उसे गेरुआ रंग से रंगा जाता था, तो उसी के गैरिक मृदभांड बोला जाता था। तो गेरुआ रंग जानते होंगे, आपके यहाँ शादी विवाह पड़ता होगा तो कोहबर में वो गेरुआ रंग से सब बनाया जाता होगा। तो यही है, ए हो जाएगा हमारा, गैरिक मृदभांड संस्कृति ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है। सातवां देखें हम साथियों, सातवां में हमसे क्या पूछ रहा है? सातवां में कह रहा है हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है। सर साथियों, हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी जो छोर था वो जो है हिंडन नदी के तट पर था, उत्तर प्रदेश में नोएडा में है ये। तो आलमगीरपुर, हड़प्पा स्थल जो जो ये मेरठ से संबंधित है, तो ये जो कहाँ है आलमगीरपुर, किस नदी के तट पर अवस्थित है? हिंडन नदी के तट पर, मेरठ में। आगे चले हम लोग, आठवां देखते हैं साथियों। आठवां क्या कह रहा है देखें, आठवां में कह रहा है गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्मचर्य प्रवर्तन किससे संबंधित है? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उसी का संकलन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश का संकलन गौतम बुद्ध के जो सारनाथ में उन्होंने दिया था तो उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और एक चीज यहाँ और सीख लीजिए आप लोग, शरीर त्याग को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसे। और ज्ञान प्राप्ति को तो ये बोधित्व तो कहा जाता है, और ये गृह प्रवाह को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को। तो आगे चले हम लोग देखते हैं, अब लोग नौवा में, नौवा में साथियों हमें पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, इसका विकल्प अगले पेज पर है, श्रावस्ती में दिए थे साथियों। कहाँ पर? ये श्रावस्ती में दिए थे, इसका विकल्प अगले पेज पर चला गया है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ आ गया है, ये सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने। आगे देखें हम लोग, दसवें में क्या कह रहा है साथियों। दसवें में हमसे पूछ रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के
ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम महावीर है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। एक वैशाली कहाँ है? बिहार में है, तो यहाँ बिहार में हुआ था। विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक तो जानते ही हैं लुम्बिनी में, ये लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में है, नेपाल में, यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया, तो सब की चीजें आप याद रखे रहिएगा। फिलहाल जो भगवान महावीर जन्म, इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली यानी बिहार में हुआ था। देखें 11 में क्या है। 11 में साथियों आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत पांचवें महाव्रत के रूप में महावीर के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, जैन धर्म में पांच महाव्रत आपको बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पांचवा है। तो यही ब्रह्मचर्य जो है ये पांचवा है, ये पांचवा है। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, यानी अपने इंद्रियों को वश में किए रखना। तो यही है ये ब्रह्मचर्य। आगे देखें हम लोग, 12वां देखते हैं साथियों। 12वें में क्या कह रहा है? भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र एक ग्रंथ है साथियों जो जैन धर्म से संबंधित है, तो एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक अंगुत्तर निकाय है, और जैन धर्म से संबंधित जो है ये मैंने इस पर लगा दिया हूँ, ये भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म से संबंधित एक और ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन्हीं दोनों में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा आप लोग, भगवती सूत्र फिलहाल है जैन धर्म से संबंधित है, जैन ग्रंथ है एक प्रकार का। तो देखें 13वें में हमसे क्या पूछ रहा है साथियों। 13 वाले में हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब किया गया? तो साथियों, बहुत ही फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है, यूपी स्पेशल में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों, ये जो है 1921 में, 1921 तक जो उत्तर प्रदेश, तो उस समय का ये नाम था, वो मतलब एक तरह से अवध टाइप का नाम था, आगरा एवं अवध का क्षेत्र, तो कह सकते हैं मोटी मोटा उत्तर प्रदेश की राजधानी आज जो लखनऊ है यह 1921 तक इलाहाबाद था। 1921 के बाद ये लखनऊ किया गया, तो विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा। और यहां पर ये जो दिया है, और सारी चीजें आप सीख लीजिए थोड़ा सा। 1902 में आज जो उत्तर प्रदेश है इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। फिर क्या किया गया, 1937 में आगरा अवध ये हटाकर केवल संयुक्त प्रांत किया गया। क्या? संयुक्त प्रांत। सब चीजें सीख लीजिए, कहीं से भी पूछ लेगा। फिर जो है 1950 में क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के स्थान पर ये उत्तर प्रदेश नाम जोड़ा गया, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो फिलहाल ये राजधानी जो हुआ 1921 में हुआ था। तो देखें 14 में हमें क्या दिया है साथियों, कह रहा है सहेत महेत स्तूप का निर्माण किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था? तो साथियों, सहेत महेत, स से सहेत महेत, स से श्रावस्ती, तो विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। सहेत महेत स्तूप का निर्माण जो है श्रावस्ती महाजनपद नगर में हुआ था। आगे देखें हम लोग 15 में साथियों, इसमें कह रहा है 15 वाले में, आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद में किस नाम से जाना जाता? तो आज का जो हमारा बुंदेलखंड है साथियों, बुंदेलखंड को इसको महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, उस समय इसे जो है चेदी नाम से जाना जाता था, विकल्प नंबर बी। यही है हमारा उत्तर, विकल्प नंबर बी, चेदी के नाम से जाना जाता था। आगे देखें हम लोग 16 वाले में, तो 16 में हमसे क्या पूछ रहा है, 16 में उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेख या स्तंभ लेख, एक तरफ यहाँ अभिलेख या स्तंभ लेख दिया है और दूसरी तरफ वो स्थान दिया है, तो कौन सा मैच नहीं है, कौन सा गलत है, उसी को बताना है। तो साथियों देखें, कोई दम नहीं है इसमें,
अहरौरा अभिलेख जो है यह मिर्जापुर में है, ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है, गलत को। टोपरा स्तंभ लेख साथियों यह सहारनपुर में है, ये भी सही है। सारनाथ स्तंभ लेख साथियों यह वाराणसी में है, मथुरा में नहीं, यह वाराणसी में है, इसको याद रखिएगा। सारनाथ बहुत फेमस स्तंभ लेख है, यह वाराणसी में है, मथुरा में नहीं है। तो यही हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि यही गलत दिया था। और सोहगौरा, ग से गौरा, ग से गोरखपुर, ये गोरखपुर में ही है, तो विकल्प डी भी सही है, तीनों सही है, सी केवल गलत था। आगे देखें हम लोग 17 में, यहाँ दिया है साथियों रेह जो प्रयागराज में है, इससे प्राप्त अभिलेख यानी रेह से प्राप्त अभिलेख किस शासक का उल्लेख करते हैं, तो साथियों मिनांडर का उल्लेख करते हैं, विकल्प नंबर ए। आगे देखें हम लोग 18 में, 18 में साथियों हमसे सवाल किया है, क्या किया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने का पुष्ट करता है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ है। तो साथियों ये कहा गया है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ये जो इलाहाबाद में भी है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। आगे देखें हम लोग 19 में, 19 वाले में साथियों क्या कह रहा है हमें देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री, कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त को द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, उसका टाइटल वही था। तो कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था, तो साथियों फाहियान आया था, विकल्प नंबर डी, यही हमारा उत्तर है इसका। आगे देखें हम लोग ये क्या कह रहा है, गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है, तो साथियों गुप्तकालीन जो है गुप्त काल के बारे में आपको जानना है तो टोपरा स्तंभ लेख, बिलसड स्तंभ लेख, गढ़वा शिलालेख, ये तीनों है, लेकिन मथुरा स्तंभ लेख नहीं है, यही इसका उत्तर होगा हमारा 20वें का। देखें 21 वाला में क्या कह रहा है साथियों, बहुत ही झन्नाटेदार प्रश्न है, तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, एक तरफ स्रोत दिया है और दूसरी तरफ उसका लोकेशन दिया है, तो कौन सा अभिलेख कहाँ पर है वो दिया है, और जो गलत है उसी को बताना है, चारों में से एक गलती कर दिया है उसी गलती को आपको पकड़ लेना है। तो देखें हम लोग साथियों बहुत ही बढ़िया है ये मनकुंवर अभिलेख, प्रयागराज में है, ये बात तो सही है, प्रयागराज में है, और करमडंडा अभिलेख अयोध्या में है, ये भी सही है। ये कहोम अभिलेख साथियों बस्ती दे दिया है, तो बस्ती में नहीं है, कहोम अभिलेख जो है यह गोरखपुर में है, कहां पर, ये गोरखपुर में, तो याद रखिएगा यही सी वाला आपका उत्तर होगा, और जबकि ये डी वाला भी सही है, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, गाजीपुर में है। तो साथियों ए बी और डी सही था, सी वाला गलत था, तो सी को हमने बता दिया, हाँ यही गलत है। आगे देखें 22 में, तो साथियों 22 का एक सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें दो जानकारी आपको दे दिया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो भीतर गांव में मंदिर है, उत्तर प्रदेश में स्थित भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर कहाँ है, कानपुर में है, तो वही आपको इतना बताया है, भीतर गांव मंदिर जो कानपुर में है और दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है, यह किस वंश से संबंधित है, तो साथियों यह गुप्त वंश से संबंधित है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग, देखें गुप्त वंश जब साथियों का पतन हुआ तो उस समय एक वंश आया जो है मौखरी वंश, उसी मौखरी वंश से संबंधित आपको ये सवाल दिया है, मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो क्या है साथियों, कौन सा ऐसा है इन चारों विकल्प में जो मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो हरहा अभिलेख जो बाराबंकी में है ये भी इसका स्रोत है, सोहनाग अभिलेख जो देवरिया में है ये भी है, मौखरी वंश का इतिहास बताता है, भिटौरा जो अयोध्या में है ये भी बताता है, तो ये तीनों बताते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि डी नहीं बताता होगा, तो जो है गढ़वा शिलालेख ये प्रयागराज में है, यही गलत है जो है, यह मौखरी वंश से संबंधित नहीं है। आगे देखें हम लोग 24 में, तो 24वां में साथियों हमसे क्या पूछ रहा है,
यहां पर कह रहा है कि किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। साथियों बहुत ही सरल सवाल, हर्षवर्धन ने, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, कहां से? थानेश्वर से चेंज करके कन्नौज ले गया। आगे देखें 25 में, 25वां में साथियों आपसे पूछ रहा है, संस्कृति के प्रसिद्ध नाटककार, सॉरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति हैं, किसके दरबार में निवास किया करते थे? तो साथियों यशो वर्मन के दरबार में रहते थे। विकल्प नंबर ए हो जाएगा 25 का, ए यशो वर्मन के। आगे देखें हम लोग 26 में, 26 में साथियों कह रहा है आपसे, मध्यकाल में कन्नौज के लिए, किसके लिए? कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने उसमें भाग नहीं लिया था? तो साथियों उसमें सभी ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, पाल, प्रतिहार, इन तीनों ने भाग लिया था, बल्कि वर्धन ने भाग नहीं लिया था। तो 26वें का हमारा बी हो जाएगा कि जो त्रिपक्षी संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था उसमें वर्धन वंश के लोगों ने भाग नहीं लिया। आगे देखें, देखें ये 27 में हमसे एक सवाल पूछा है, इसका आधा कट गया है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो जेजाक भुक्ति था, जेजाक भुक्ति, हो सकता है अगले पेज पर इसका हो तो देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए दिया भी होगा, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। तो देखें यहाँ 28 में भी दिया है, 28वें में क्या है, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ? बहुत बढ़िया सवाल साथियों, यह चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी से संबंधित, आपको मालूम है मोहम्मद गोरी 1191-92 में युद्ध लड़ा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, और 1194 जो युद्ध लड़ा, 1194 में जो युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी ने, वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। जयचंद कन्नौज का शासक था तो इन्हीं दोनों के बीच हुआ और मोहम्मद गोरी का इसमें जीत हुआ। तो विकल्प नंबर सी हो गया हमारा, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। तो चंदावर युद्ध, तो नाम से ही लग रहा है चंदावर, चंदावर 694। तो साथी ये साथियों मैंने गलत कर दिया, सॉरी ये 1194, ये 1194 मैंने गलत कर दिया था। आगे देखें ये 29 में हम देख रहे हैं, 29 में क्या है, जौनपुर के प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों ये हमारे ही जिले में है, हमें बचपन से, जब से होश संभाला हूँ, आते जाते देखता हूँ तो लोगों से सुनता हूँ, क्योंकि अटाला मस्जिद का निर्माण ISS ने कराया था। किसने? ISS ने, इब्राहिम शाह शर्की ने। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यही ने करवाया था। और कुछ लोग तो कह देंगे ये करवाया था मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का निर्माण किया था। आगे देखें, जौनपुर से संबंधित एक सवाल और है, जौनपुर को उपनाम के रूप में पूर्व का सिराज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय के शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और कला के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र था, इसीलिए इसको पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? जौनपुर को, विकल्प नंबर बी। आगे देखें साथियों 31 में हमारा क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों एवं उनके जन्म स्थान के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ भक्तिकालीन संत दिया है, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया है, तो कौन सा गलत है यानी सुमेलित नहीं है, उसी को पकड़ना है। तो साथियों आपको मालूम है सूरदास का जन्म आगरा में हुआ था, रुनकता स्थान पर, तो ये सही है। और बी दे दिया है रामानंद, जो है रामानंद का जन्म ये प्रयागराज में हुआ था, ये भी सही है। तुलसीदास का जन्म राजापुर यानी चित्रकूट, राजापुर के चित्रकूट में हुआ था, चित्रकूट के राजापुर में, और ये तीनों सही हैं। जब तीनों सही हैं तो चौथा ही गलत होगा, कबीर का ये जन्म मगहर में हुआ था कह रहा है। तो साथियों यही गलत है, क्यों गलत है? कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, और
उनको किसी ने कह दिया कि आप वाराणसी में मरोगे तो जन्नत में चले जाओगे और मगहर में मरोगे, आज का जो संत कबीर नगर है उसको पहले मगहर बोला जाता था, अगर आप मगहर में मरोगे तो नरक में जाओगे। तो कबीर थे बहुत अजीब तरह के व्यक्ति थे, वो कह रहे थे मैं मगहर में जाकर ही मरूंगा, मुझे नरक में ही जाना है, जबकि वो ये सबको मानते नहीं थे। तो उसी से मगहर था, उसी का नया नाम संत कबीर नगर पड़ गया, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, न कि संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में उनकी मृत्यु हुई थी, ये बता देना। 32 में देखें, कबीर की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? साथियों बीजक बचपन से ही पढ़ते आए हैं आप लोग, विकल्प नंबर ए। 33 में क्या है? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों ये फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था इसे, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ये बी होगा, ये यहाँ सी होना चाहिए था। तो विकल्प नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो अकबर ने एक मन्नत माना था, हमारे बिटवा हो जाएगा, ये सलीम चिश्ती में बहुत वो विश्वास रखता था, तो उसका बेटा जो जहांगीर पैदा हुआ, तो उन्हीं के जो है खुशी में या उन्हीं के मन्नत में यह सलीम शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था अकबर ने। हमारे भी समाज में बहुत लोग होते हैं मन्नत उन्नत मांगते हैं। तो ये देखे ये 34 में क्या कह रहा है? किस मुगल बादशाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की मौत हो गई? यानी ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की यानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर जो है उसकी मौत हो गई? साथियों हुमायूं, विकल्प नंबर बी। ये हुमायूं कौन था? तो आप लोग को जानते हैं ये अकबर का पिता था, बाबर का बेटा था। 35 में क्या है? तो साथियों 35 में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दावली का साथ दिया था? तो किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दावली का साथ दिया था, ये आपसे पूछ रहा है 35 वाले प्रश्न में। तो साथियों यहाँ पर शहादत अली, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह और एक दिया है आसफुद्दौला। तो वाजिद अली शाह ने साथ दिया था पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दावली का, मराठों का साथ नहीं दिया, वो अहमद शाह अब्दावली का हो गया। तो आप लोग जानते होंगे पानीपत का तृतीय युद्ध जो है साथियों यह 1761 में हुआ था और ये मराठों और अहमद शाह अब्दावली के बीच हुआ था, मराठा की जीत हुई थी, सॉरी अहमद शाह अब्दावली की जीत हुई थी। आगे देखें हम लोग 36 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के सल्तनत कालीन स्थापत्य और उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ साथियों दिया है सल्तनत कालीन स्थापत्य और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं, तो कहाँ है खोजते हैं, ये है, एक तरफ स्थापत्य एक तरफ संस्थापक, स्थापत्य यहाँ है और संस्थापक ये है। तो जौन सा मिस मैच है यानी जो गलत होगा उसी को बताना है, यानी गलत वाले को पकड़ना है। तो जामा मस्जिद साथियों एक हमारे जौनपुर में भी है, एक बदायूं में है। जो जौनपुर वाला है वो सरकी शासकों ने बनवाया था और ये बदायूं वाला जो है वो इल्तुमिश ने बनवाया था, तो ये सही है जो है, लेकिन हमको गलत को पकड़ना है। अटाला मस्जिद मैंने पहले बताया दिया था, ये ISS ने बनवाया था, इब्राहिम सरकी शाह ने बनवाया था, फिरोज शाह ने नहीं, तो यही गलत हो गया, विकल्प नंबर बी हमारा गलत हो गया, मैंने पकड़ लिया क्योंकि हमें पता है हमारा जिला है जौनपुर। तो अटाला मस्जिद जो है यह फिरोज शाह ने नहीं बनवाया था, फिरोज शाह ने जौनपुर का स्थापना किया था अपने चचेरे भाई यमबेटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, लेकिन ये अटाला मस्जिद बनवाया था ISS ने, इब्राहिम शर्की शाह ने, तो यही गलत था, बाकी सब सही है। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने स्थापना किया था, झझरी मस्जिद जो जौनपुर में है इब्राहिम शाह सरकी ने इसको भी बनवाया था। चले हम लोग आगे देखते हैं 37 में क्या है। तो 37 में हमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन स्थापत्य और उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? फिर वही वाला क्वेश्चन साथियों, कौन सा सही नहीं है? तो एक तरफ जो है हमें दिया है मुगल कालीन स्थापत्य दिया है आर्किटेक्ट,
और दूसरी तरफ यहाँ पर दिया है उसके शासक मतलब उसके संस्थापक। तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, बिल्कुल सही बात। अकबर का मकबरा जो सिकंदराबाद में है, तो ये कह रहा है ये जहांगीर ने बनवाया था, तो ये जहांगीर ने बनवाया था, तो अभी ये कंफ्यूजन में हम लोग इसको रोकते हैं। तीसरा वाला पढ़ते हैं, बुलंद दरवाजा हुमायूं ने बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा साथियों हुमायूं ने नहीं बनवाया था, ये गलत है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, यही अकबर ने ही बनवाया था, ये हमें पकड़ में आ गया। अकबर ने ही बनवाया था बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, तो यही हमारा उत्तर होगा क्योंकि यही गलत था, और बाकी सब सही है। अब हमें क्लियर हो गया। हाँ, अकबर का मकबरा जो सिकंदराबाद में, वो जहांगीर ने ही बनवाया। आगरा का किला अकबर ने, इतमाउद्दौला का मकबरा जो आगरा में है नूरजहां ने, सब सही है, सी गलत था। तो आगे देखें हम लोग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1925 में हुआ था, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, और कहीं कहीं कुछ स्रोतों में आपको 1934 1924 मिल जाएगा। तो ये उतना ना, अगर 25 ना रहे, अगर 24 रहे तो आप लोग 24 पे लगा देना, नहीं तो 25 पे, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। और इन्हीं के जैसे स्थापना हुआ तो कानपुर षड्यंत्र केस हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, ऐसे बहुत सारे केस मतलब षड्यंत्र भी हुए इनको कुचलने के लिए अंग्रेजों के द्वारा। तो देखें 39 में दिया है क्या, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश किया गया। तो साथियों ये प्रश्न मैंने पहले ही बताया था शुरुआत ही में आपको कि 1950 में, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत, यानी 24 जनवरी 1950 तक आज का जो उत्तर प्रदेश है इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। आगे देखें 40 में साथियों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो साथियों बहुत ही फेमस है, इनका कहना था कि कांग्रेस अंग्रेजों के बचाव के लिए बन रही है, कांग्रेस का बहुत विरोध किए थे सर सैयद अहमद खान, विकल्प नंबर ये डी होगा, यही जो है आज का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके यही संस्थापक हैं। आगे देखें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों 1916 में हुई, 41 का हमारा उत्तर सी हो जाएगा, 1916 में, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, देखें ये क्या है, एक तरफ साथियों हमें वर्ष दिया है, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं, और कौन सा मिसमैच है कौन सा गलत है उसी को आप पकड़ लेना है आपको। तो 1988 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे, और जॉर्ज यूले किए थे, और जॉर्ज यूले साथियों प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमको गलत को पकड़ना है। तो साथियों गलत को कैसे पकड़ेंगे आप लोग, देखें 1925 ईस्वी में करा है, 1925 में ईस्वी में जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी एनी बेसेंट ने किया था। साथियों गलत, यही गलत है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों 1925 का जो कांग्रेस अध्यक्षता की थी वो सरोजनी नायडू ने किया था, सरोजनी नायडू ने किया था, कानपुर में हुआ था ये, इसको याद रख लीजिए। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, और एनी बेसेंट क्या थी, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में की थी। तो प्रथम महिला, जब आपसे केवल पूछे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, तो आप बता देना एनी बेसेंट 1917 में। अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला, तो आप सरोजनी नायडू बता देना, 1925 कानपुर में की थी। तो यही गलत था, बाकी सब सही। 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू किए थे, 1946 में जेबी के पिला ने। आगे चले हम लोग देखते हैं 43 में क्या हुआ था, 43 में क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो साथियों यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के नरम दल गरम दल में भी समझौता हुआ, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हुआ, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा।
आगे चलें हम लोग, देखें क्या है। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो उत्तर प्रदेश जो किसान सभा का गठन हुआ था उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था, यही बताना है 44 वाले में। तो साथियों यह जो है बाबा रामचंद्र, तो विकल्प नंबर हमारा यही हो जाएगा ए, 44 का कौन सा हो जाएगा, बाबा रामचंद्र इससे संबंधित नहीं है। जबकि गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय सब थे। आगे चले हम लोग 45 में देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान यूनियन के जो अध्यक्ष थे तो वो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यही आपको बताना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग 46 में, तो देखें क्या करा है। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? तो साथियों जो लगान का निर्धारण जो किया जाता था भू राजस्व महालवाड़ी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में, तो भूमि के जो है वो उपज के आधार पर, जितना उपज होती थी उपज के आधार पर होता था। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। 47 में क्या कह रहा है, वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों भारत माता का मंदिर ये शिव प्रसाद गुप्ता, विकल्प नंबर बी। आगे चलें, बल्कि अगर आपसे बीएचयू का पूछे तो मदन मोहन मालवी। देखें 48 में क्या है, 48 में साथियों उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये क्रांतिकारी घटनाओं के संबंध में एक गलत है उसी को पकड़ना है। तो काकोरी कांड घटना दिया है 5 मार्च 1921, साथियों गलत है, 1925 में हुआ था काकोरी कांड, जिसमें उनके चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो संगठन चल रहा था, तो उस संगठन को चलाने के लिए धन की बहुत कमी थी, तो उन्होंने एक सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन को लूटा, वही जो है इसी को जो है काकोरी घटना नाम से मतलब जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में सरकार ने इसे काकोरी कांड हटाकर काकोरी एक्शन कर दिया है। तो 1925 में हुआ था ये, 1921 में नहीं, तो यही गलत है, हमें पकड़ में आ गया, तो यही गलत है हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सब तीनों सही हैं, चौरी चौरा 1922, 4 फरवरी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में, स्वराज पार्टी गठन 23 में, ये सब सही हैं अपनी जगह पर। 49 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था साथियों, गांधी जी ने जब नमक वाला मुद्दा उठाया था, नमक कानून अंग्रेजों का तोड़ा था 1930 में, तो वही उस समय वही सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में चलाया गया था। तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो मतलब आगरा और रायबरेली वाले क्षेत्र में कर न दो लगान ना दो एक नारा चला था, तो विकल्प नंबर हमारा ये डी हो जाएगा, 49 का डी, आगरा रायबरेली। देखें 50 में क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो साथियों कानपुर षड्यंत्र केस जो है मैंने बताया ना, कम्युनिस्ट पार्टी जब स्थापना हुई थी तो अंग्रेज जो है उन पर जो है षड्यंत्र का आरोप लगाकर जो है सारे नेताओं को गिरफ्तार किए, जिसमें अमृत ढांगे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी थे, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण इससे संबंधित नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा ये जो है बी वाला है, क्रस कर सकते सी उल्टा हो गया है, बी हो ये सी हो गया, तो सी हमारा गलत था, ये जेपी इससे संबंधित नहीं है कानपुर षड्यंत्र केस से। अगर पूछे कानपुर षड्यंत्र केस क्या है तो कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी थी, यही है। तो साथियों हम लोगों ने देख लिया हमारा 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, तो हमने बहुत ही बढ़िया से देखा साथियों। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा जरा सा भी लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा सपोर्ट जरूर करिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।